गढ़वा में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी के साथ लालू संदेश यात्रा निकाली गई। डंडा प्रखंड से संदेश यात्रा का शुभारंभ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने किया। यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पर उंगली उठाने वालों को सरकार प्रताड़ित करती है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के साथ किस तरह से ज्यादती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, आज कोई भी सरकार के खिलाफ अगर बोलता है तो ये सरकार जो संवैधानिक संस्था है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो या अन्य जांच एजेंसी, उसके माध्यम से उन्हें प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये आने वाले दिन में इन बहुरूपियों से बचना है जो समाज को लड़ाने का काम करती है, जो देश को बांटने का काम करती है, और संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, उस संविधान को खत्म करके ये चाहता है कि मनु संविधान जो नागपुर में लिखा जा रहा है, आरएसएस का संविधान, उस संविधान को देश में लगाएं। तो हम आपसे यही अपील और आग्रह करने आए हैं, जब आने वाला दिन, चूंकि चुनाव 2019 में चुनाव होना है लोकसभा और विधानसभा, तो ऐसे पाखंडियों को देश से भगाना है, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, तभी हमारा समाज सुरक्षित और एकजुट रह सकता है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा भगाओ झारखंड बचाओ का नारा भी दिया। बता दें कि लालू संदेश यात्रा में जिला अध्यक्ष शरीफ अंसारी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।